हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर स्पैम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे 7 तारीख को TGT कंप्यूटर साइंस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, उसकी ड्राफ्ट आंसर की। ठीक है, और ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपने आंसर कैसे चेक करें, तो ये ड्राफ्ट आंसर की है। इसमें सिर्फ ये ऑब्जेक्शन के लिए डाली जाती है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई गलत लगता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको ये देखना है कि आपके नंबर कितने बन रहे, तो जितनों का आपको आइडिया आ रहा है कि हाँ मैंने इसका ये आंसर लगाया, आप उससे काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आंसर जो है गिविन नहीं है, सिर्फ अपना आइडिया कि हाँ भाई मैंने ये जो है इस पर टिक किया था, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर था, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंट कर सकते हैं कितने बन रहे हैं। एग्जैक्ट तो देखिए बाद में रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अभी जो है विद आंसर जो आंसर की नहीं आई है, और मे भी पता नहीं शायद नहीं भी आती है या आती है, बट जितना मुझे पता है शायद नहीं आएगी कि विद आंसर, वो आपको ला के देंगे। सिर्फ सीधा लिस्ट जो है इसकी आएगी कि मतलब किस किस बच्चे का जो है क्लियर हुआ है। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट है 2016 ओलंपिक में भारत ने जो था बैडमिंटन और कुश्ती दोनों में ये जीता था, पीवी संधू ने जीता था और कुश्ती में साक्षी मलिक ने जीता था, दो ही पदक आए थे। ठीक है, एक रजत पदक आया था, कुश्ती में कांस्य पदक आया था। ठीक है, तो एक और दो दोनों जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। ओके, देखिए खिलाड़ी खेल के युगम बताना था, बाईचिंग भूटिया फुटबॉल से रुपिंद्र पाल सिंह हॉकी से, दोनों ही युगम जो है बिल्कुल सही है। केंचुआ अपनी त्वचा के जरिए जो है श्वसन करता है। तीसरा है महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के नोट का माप क्या है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, 66 mm × 135 mm जो है इसके नोट का माप होता है। किसी विशेष समय में जनता के बीच मुद्रा संचलन के कुल स्टॉक को मुद्रा पूर्ति जो है कहा जाता है। अवतल दर्पण में जब बिंब सी पर है तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, समान होता है। ओके, 2021 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया था। सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1919 में सत्याग्रह आंदोलन जो था शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है, तो अनुच्छेद 292। जलोढ़ मृदा का कौन सा युग्म है जो सही है, तो बांगर नया जलोढ़ और खादर। देखिए बांगर जो होती है वो पुरानी होती है, और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मृदा होती है, तो ना एक ना दो। ठीक है, वन पेड़ का कौन सा युग्म सही है, पर्वतीय ताड़ मैंग्रोव बर्च, तो ना एक ना दो, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर 2021 किस फिल्म ने जीता, तो नोमैडलैंड ने जीता था। नृत्य राज्य छऊ पश्चिम बंगाल का, सतरिया राजस्थान का, नहीं पश्चिम बंगाल वाला सही है, लेकिन क्षत्रिया जो है ये आसाम का है, तो केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक में एक से अधिक, तो दोनों बिल्कुल सही हैं ये। WHO द्वारा लॉन्च की गई पहल E2025 किस बीमारी के खिलाफ है, तो मलेरिया के खिलाफ है। अनुसूची के बारे में सही बताना है। तीसरी में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है, और 11वीं में पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तो सिर्फ केवल 2 सही है, तीसरी में ये नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सही है, स्थायी पवने जो होती हैं उसको पश्चिमी पवने कहते हैं, और स्थानीय हवा को लू कहा जाता है, तो दोनों सही हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कौन सी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो गंगा नदी थी जो मगध से होकर बहती थी। युगम आंदोलन उनके संबंध बताने, स्वीन्यवज्ञ आंदोलन 1930, ऐसे युग और खिलाफत आंदोलन 1921, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए संबंध चुनना था, महल राजा अस्तबल क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें फिर वही क्यूब वाला क्वेश्चन दिया गया है, और ये हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि पीले रंग से रंगा गया, फिर इसको इतने भागों में काटा गया, तो कितने पर जो है रंग मिलेगा। ठीक है, तो ये करके जाइएगा, 10 जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें देखिए फिर वैन डायग्राम वाला वही क्वेश्चन है, इसमें विषम की कुल संख्या बता रहा है, ये 10 है। विषम की यानी कि जो सिर्फ किस में होगी, इस वाले रेक्टेंगल में जो होगी, क्या वो 10 संख्या आ रही है विषम की। ओके, सही नहीं है बताना, तो बिल्कुल फर्स्ट वाला जो है सही नहीं है। विषम की संख्या अगर आप देखेंगे तो 6 है। ठीक है, यह सम जो अक्षर नहीं है, वह सम जो अक्षर नहीं है उसकी संख्या क्या है, 10 है। ये वाला सही है, सेकंड वाला सही है, लेकिन फर्स्ट वाला सही नहीं है। ठीक है, ये देखिए फिर से पजल वाला क्वेश्चन दिया गया था, 5 लोग हैं, उनका व्यवसाय दिया गया है, विभिन्न विभिन्न व्यवसाय में ये काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया गया था। संयोजन इसमें सही बताना था, व्यक्ति व्यवसाय यातायात का, एक पूरी टेबल बन जाएगी इसमें, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिक्वेंस जो है सही बन रही है यहाँ से। ठीक है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग जो थे लगाने थे, तो 1, 2, 4, 5, 3 जो है इसका सही रहेगा, जिस तरीके से डिक्शनरी में होते हैं उस तरीके से इन्हें अरेंज करना था। कितने लाल हैं जो ना तो हरी हैं और ना ही आयत हैं। ओके, कितने लाल हैं जो ना तो हरी हैं और ना ही आयत हैं, सिर्फ लाल में हैं, तो 4 हैं सिर्फ,
ठीक है। विकल्पों में से विषम शब्द तो मिश्र धातु हो जाएगा, बाकी सारे कलर्स हैं। एक विशिष्ट कोड है जिसमें रेशर को 46, यूजेस को 54, तो इस कोड भाषा में ऐसे को, तो इनको जो है इनके पॉइंट्स लेकर ऐड करके देखिएगा, या फिर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये नंबर आता है। तो ऐसे का भी इसी तरीके से बनेगा, तो 70 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कोई भी मैदान, क्या कह रहा है कि कोई भी मैदान भूमि नहीं है, कुछ बगीचे हैं जो भूमि है, यहाँ पे बगीचे आ जाएंगे। तो कुछ भूमि बगीचा है, बिल्कुल है, कुछ भूमि मैदान है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि दक्षिण पूर्व, यानी कि अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर, सॉरी दक्षिण पूर्व यहाँ पे होता है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको उत्तर पश्चिम कर दिया गया है, और उत्तर पश्चिम होता कहाँ पे है, ये वाला होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कितने डिग्री घुमाया गया है, यहाँ पे 45 डिग्री ये, और 45 डिग्री है, तो 180 डिग्री जो है पूरा मूव कर दिया गया है इसको, ठीक है। किस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वामावर्त में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, अब दक्षिण पश्चिम पूछा है यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, ये वाला दक्षिण पश्चिम है, तो इसको भी इसी तरीके से घुमा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा ये, ठीक है। पूरा कितना घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, तो उत्तर पूर्व जो है हो जाएगा। आगे देखिए, सभी भी क्या है, एस है, और कोई भी एस जो है वो के नहीं है। सभी एस भी हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, कुछ एस भी हो सकते थे लेकिन सभी नहीं, कुछ एस भी हैं, यस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी के बी हैं, कि जितने भी के हैं वो भी है, नहीं ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्यों अपनी तरफ से एजम्पशन लगाएं इसमें, तो ये भी गलत है, तो केवल निष्कर्ष टू जो है हमारा फॉलो करता है इसको, ठीक है। आगे देखिए, प्रेम उत्तर की ओर 13 मीटर चलता है, कहाँ, उत्तर की तरफ, उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है और 11 मीटर चल रहा है, पहले 13 मीटर चला फिर 11 मिला, फिर वो वामावृत दिशा में, वामावृत दिशा कौन सी बोली मैंने आपको, वामावृत दिशा होगी लेफ्ट साइड को, दक्षिणावृत होगी राइट साइड को, यानी कि वो लेफ्ट साइड 90 डिग्री घूमा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 11 मीटर चला और यह वामावृत दिशा में 90 डिग्री फिर से जो है वो घूम गया है और 4 मीटर चला है, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में ये स्थित है। ओके, 4 है ना और ये 11 है, तो इसको थोड़ा सा कम लेंगे हम, यहाँ तक रख लेते हैं 4, तो ये उसकी प्रारंभिक दिशा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बन के आएगी, और ये वाली जो दिशा है, और यहाँ से ये देखना है कि किस दिशा में ये बनेगा, कहाँ से पूछिए, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में है उससे, ठीक है, बट उत्तर पूर्व होना चाहिए था ना, इसने पूछा है उसकी प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से, ओके प्रारंभिक बिंदु पूछा है किस दिशा में है, अंतिम बिंदु से, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु नहीं पूछा है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछा है, तो दक्षिण पश्चिम जो है सही हो जाएगा। और ये दूरी जब हम नापेंगे तो ये भी कितनी आएगी, 11 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 25 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दिए गए कागज को मोड़ने पर कौन सा घन है जो नहीं बनाया जा सकता, तो सिर्फ जो जिसके अपोजिट आएगा वो लिख लीजिए, ए के अपोजिट 6 आएगा, 7 के अपोजिट 4 आएगा और 3 के अपोजिट 8 आएगा, तो 7A4 नहीं बन सकता, ठीक है, A36 भी नहीं बन सकता क्योंकि A6 अपोजिट में है, A6 नहीं बन सकता, A83 भी अपोजिट में है, तो साइड में कैसे आएंगे, तो कोई भी घन जो है यहाँ से नहीं बन सकता, तो यहाँ पे चारों इसीलिए आंसर आया है। 8 बेलन दिए गए हैं, इनकी तुलना की गई है, तो बिल्कुल बहुत इजी आते हैं ये क्वेश्चन, तो इसमें बस आप करते जाइए कि C1 या C7 का क्षेत्रफल जो है ये न्यूनतम है, ठीक है, सबसे कम इनका है, C4 का जो क्षेत्रफल है वो C7 से अधिक है लेकिन C5 से कम है, तो इस तरीके से जो है निशान लगाते जाइए, और यहाँ पे बताना होता है फिर कि कौन सी सिक्वेंस यहाँ पे बन के आएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गलत आकृति इसमें से बतानी थी कौन सी है, AJTR है, ओके इधर कर दिया है इनको, और इनकी पोजिशन को जो है चेंज कर दिया है, फिर ZA कर दिया है एंड देन TR को ऐसे कैसे लिखा है, तो इसमें AJTR जो है सही नहीं है, AJTR ये वाली जो है, ये वाली सीक्वेंस सही नहीं है, ठीक है। संबंधित अक्षर युग्म छाटना था, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड में है वही इसमें मिलेगा। आगे इसमें लिख के रखना था जो भी दिया गया है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो -2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करना है, 10, 29, 85, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई जा रहा है, तो 10 गुना 30 3 -1 29 बन रहा है, 29 दुनी
अगर करेंगे हम, तीन पे जाएगा, सॉरी, तीन निम्न 27, दो तीन दूनी 6 और 2 8, 27 माइनस 2, इस बार माइनस 2 किया गया है, ठीक है। फिर 85 गुना 3 करेंगे, 3 पंजे 15, तो माइनस 3 किया गया है इस बार। इस बार 252 को 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 756 और माइनस का 4 कर देना, 52 आ जाएगा, 752 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 खिलाड़ी हैं, वही केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सारे क्वेश्चन सेम दे रखे हैं हर एक शिफ्ट में, तो यहाँ पे एफ जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, गलत पद चुनना था, वही फर्स्ट को चेक कीजिए, फर्स्ट से सेकंड को, सेकंड से कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर मिलेगी वहाँ पे, तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। ओके, साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया गया था, एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर बताना था। एक है जो 5 वर्ष में कितनी होगी, 5/2 हो जाती है स्वयं की। अब एक का 5/2, 5/2 ही होगा, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो 1-5/2 करके यहाँ से ब्याज दर ब्याज निकालिए, और सिंपल SI का फॉर्मूला रखना था, तो 30% सही हो जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यदि तीनों संख्याओं का योग, इनको ऐड करके 324 के बराबर रख लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, वहाँ से फिर सबसे बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं, और सबसे बड़ी संख्या आएगी 7x की, तो एक्स 7 × x की जो वैल्यू आई उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 600 के 45% से 20% कम है, 20% कम बताना है, जो भी आए 45%, उसका 20% निकाल देख लीजिएगा, 216 आ जाएगा। अंकित मूल्य का 15% विक्रय मूल्य के 18% के समान ही छूट प्रतिशत क्या है, तो 16.66 आ जाएगी। वही है, देखिए डिफरेंस निकालिए, दोनों का 3 आ जाएगा, और छूट किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे, 15 × 100 कर दीजिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इनको, 30 हो जाएगी, तो ओके 3 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, और अंकित मूल्य का 15% बोला है कि विक्रय मूल्य के 18% के समान है, तो वो लेना पड़ेगा ना हमें कि अंकित मूल्य 15 MP बराबर है 18 SP के, ठीक है। 15 MP 15% जो है ये 18 SP के बराबर आएगा, देन उसके बाद निकालना पड़ेगा। इनमें से बताना था कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। 8, 12 और के का लग उत्तम स्वावर्ती इतना है, तो के का मान बताना था कि के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। चलिए अगला देखिए, ये 5 उत्पाद दिए थे, इनमें से अलग अलग बताना था कि कौन सा कथन जो है इनमें से सही होगा, तो 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। बहुत लंबी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे हो जाएगी, तो इसीलिए मैं जो इसको नहीं करके दिखा रही हूँ आपको, जस्ट आपको देखना, सिंपल बताया गया इसमें बस, कितने प्रतिशत अधिक है कम है, जस्ट ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे देखिए, 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दिखाया गया 95/105, तो J1 में क्या है, सभी 5 बल्लेबाज द्वारा, यानी कि पांचों को जोड़िए और उसका औसत निकाल लीजिए। J2 में E और D द्वारा बनाए गए रनों का मध्यांतर, E और D का जो है इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। J3 में C और B का डिफरेंस निकाल लीजिए, देन यहाँ पे ये मान लिखना था, 4 क्वेश्चन आपको इसमें करने थे, ठीक है। आगे देखिए, 5, 8, 5, 7, 9A वही एक यहाँ पे देखना था कि A की वैल्यू क्या आएगी, जो कि 36 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, तो 2 जो है राइट आंसर होगा। एक वस्तु को 17% की हानि पर इतने रुपए में बेचा जाता है, इतने में बेचा गया, तो लाभ हानि बतानी थी। ओके, 17% की हानि, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 83% की, तो हमें जस्ट देखना था कि ये बताना था कि 1992 की वैल्यू 83% है, ठीक है, तो 2760 की कितने प्रतिशत जो है आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते थे, तो 15%, 115 निकलता है यहाँ से, तो 15% हो जाता लाभ, ठीक है। अर्ध गोले वाला दिया है, शंकु दिया है, दोनों को इक्वल करके आप निकाल सकते हैं इसको, 20 से पहले अर्ध गोले का के अकॉर्डिंग जो है इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए, एंड फिर शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं त्रिज्या रख के उसमें। ओके, पाई चार्ट दिया था, राज्य एन और ओ की जनसंख्या का योग है G1, एन और ओ की जनसंख्या, तो इनको निकाल लीजिए, जो टोटल जनसंख्या है उनमें से इसका एक बार 14% की वैल्यू निकालिए, 16% की निकाल लीजिए, उन दोनों को ऐड कर लीजिए, वो J1 की वैल्यू होगी। फिर M और N की जनसंख्या निकाल के उनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, वो J2 की हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, जमा घटा के थे, लेकिन यही बहुत डिफिकल्ट थे, ठीक है। इसमें सॉल्व करना था इसको भी, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, तो ये 2 हो जाएगी यहाँ पे, ये 10/5 × 2 × 6 बनेगा, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 × 2 × 6 2 × 2 = 4 और 24 होना चाहिए था। ओके, बट एक मिनट, ये भी तो डिवाइड में जा रहा है ना, सॉरी मल्टीप्लाई में जा रहा है, 10 वेट, ओके ब्रैकेट को जब हमने ओपन किया तो वो डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 × 2 = 2 होगा, 5 × 2 = 10 10 भाग में 10 1 और 6 यहाँ पे बच जाएगा, बट ऐसे
छः, इसलिए इन्होंने इस तरीके से माना है इसमें। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी तो है ना, इसको इस तरीके से कैसे मान सकते हैं। 10 / 5 × 2 × 6 कुछ इस तरीके से बनेगा ये तो। 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 24 आंसर होना चाहिए था वैसे तो इसका आंसर, बट इन्होंने ये दूसरा लॉजिक इसमें अप्लाई किया है इसीलिए आंसर 6 माना है इसमें। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 11 सेकंड में पार करती है विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई, ओके विपरीत दिशा से आ रही है और 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति इसमें बतानी थी, तो दोनों को इक्वल करके आप निकाल सकते हैं वहाँ से, ठीक है 35 मीटर/सेकंड निकल जाएगा। 4 बेल हैं 3 बजे पर, तो सिंपल इसका एलसीएम आप लीजिए, 3 बजे 7 पर आरंभ करती हैं तो 18 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे ये बताना है, तो एलसीएम निकाल के आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। रेलगाड़ी एक ए से 8 बजे निकलती है और बी पर इतने बजे पहुंचती है, तो वही टाइम स्पेंड डिस्टेंस का था, तो कितने बजे मिलती है बताना था, तो 12:17 अपराह्न पर। पी ए और क्यू जो है अकेले काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 7 कार्य शुरू किया और पी कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ गया, तो टाइम एंड वर्क का है करवाए हुए हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, तो 37.5 रहेगा। पी क्यू कार का अनुपात दिया है, योग दिया है, तीनों को जोड़ के योग के बराबर रख दीजिए, फिर इनका अंतर जो आप निकाल सकते हैं, तो 125 आ जाएगा। रमन एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक अनिवार्य है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं। ओके देखिए 30% अंक प्राप्त करता है तो 60% अंक अनिवार्य है, ठीक है, तो 30% की वैल्यू 30 अंक आ रही है, तो 1 की निकाल लीजिए, 100 की निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दे रखा है, तो भुजा वाला मैंने आपको करा रखा है कि जब भुजा सॉरी विकर्ण गिवन हो तो किस तरीके से भुजा जो है उसमें निकाली जाती है, उसको फिर भुजा निकाल के वहाँ से वर्ग के क्षेत्रफल में रख दीजिए, 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाई वे मर गया किस प्रकार का अव्यय है, तो विस्म्यादि बोधक हो जाएगा। पत्ता पेड़ से गिरा कारक कौन सा है, अपादान, क्योंकि अलग हुआ है, ठीक है, करण से अपादान से आते ना उसमें करण की तरह, तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा कैसी संज्ञा भाववाचक है। चने की झाड़ पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ, झूठी तारीफ करना। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए, ओगुण अवगुण हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है तो प्रधानमंत्री रहता है। तुम इतनी जल्दी नहीं भी नहा भी आए तो विस्म्यादि बोधक हो जाएगा इसमें। शुद्ध वाक्य, बच्चे को केला छील कर खिलाओ। 1 और 1 = 11 होना, संगठन में शक्ति का होना मुहावरे का अर्थ है। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। शुद्ध वर्तनी विध्यांचल ऐसे लिखा जाता है। अग्रगामी पश्चगामी हो जाएगा विलोम शब्द। क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। सरल वाक्य, सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पढ़ेगा। ओके एक गद्यांश जो था यहाँ पे दिया गया था, बाकी जिसका पेपर है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल आंसर मानव है, ठीक है। 18th का मैकगिल यूनिवर्सिटी है और आधुनिक संचार क्रांति एडवांस्ड रिसर्च एजेंसीज, ठीक है। इसमें देखिए करेक्ट ऑर्डर में करना था, ऑन वर्ल्ड टीबी डे वर्कशॉप फॉर द मीडिया मीटिंग्स बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड इन ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च एनेबल द शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन करंट इशू रिलेटिंग टू द डिजीज, तो RSPQ सही हो जाएगी। करेक्टली स्पेल्ड बताना, तो ऑनरेबल ऐसे लिखा जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द कंट्री। देयर नीड्स बी ए बेटर अप्रोच टू कंजर्विंग एंड इम्प्रूविंग और ओरिजिनल फॉरेस्ट एरियाज, तो अप्रोच फॉर कंजर्विंग एंड। व्हेन शी अराइव्ड एट हर प्लेस महिमा हैड लेफ्ट। राम ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज बॉस एज ही वॉज सीनियर देन हिम, तो सीनियर देन हिम हो जाएगा। ओके नॉस्टलेजिक जो है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है। एनकाउंटर का सेम हो जाएगा मीटिंग। सुमिता हैड टू टेक ए बस और समटाइम वॉक टू रीच द कोचिंग सेंटर। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, तो इडियम फ्रेज हो जाएगा डिस्करेज करना। लुक टू वंस लॉरेल्स, तो ये हो जाएगा वर्क हार्ड टू रिमेन सक्सेसफुल। दिस इज नॉट फेयर टू अस हु आर प्लान टू गो अब्रॉड, तो आर प्लानिंग टू जो है यहाँ पे सही होगा। एलिजियंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्सिटी हो जाएगा।
यहाँ पे भी जो है करेक्ट ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना था, तो एस क्यूब इन एडिशन टू कार्टून्स एंड जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स ऑन सच सब्जेक्ट एज पॉलिटिक्स एंड द इन्वायरमेंट ओ वी विजयन प्रोड्यूस्ड, तो ये इसमें करेक्ट सिक्वेंस रहेगी। एनी अंडर हैंड इंटरफेरेंस विद प्रोडक्शन वर्क एटसेट्रा, तो सबोटेज जो है यहाँ पे सही होगा, वन वर्ड। आगे पैसेज आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज़ प्रोहिबिटेड फूड हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे मस्ट इनकरेज देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट में दिल्ली हाई कोर्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग वेरियस नॉर्म्स अगेंस्ट जंकिंग फास्ट फूड, और 20 में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा ऑनर्स का मीनिंग। ठीक है, आगे देखिए, ओके ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, प्रस्ताव लिखते समय जो कार्य हो रहे होते हैं इसका क्या लाभ होता है, राजी करने के लिए कार्यवाही और हाईलाइटिंग लाभ। ओके हिंदी में दिया गया है बट आप देख लीजिएगा जिसको समझ आते हैं। ओके किस गेट को यहाँ पर दर्शाया गया है, ए बी सी दिए गए हैं, तो ये नैंड गेट को दर्शाया गया है, नैंड गेट को। ठीक है, देखिए तीनों में एंड गेट में क्या होता है, वन हो जाता है, और यहाँ पे वन का जीरो हो जाएगा तो ये नैंड हो जाएगा, जहाँ जीरो होता है वहाँ वन हो जाता है। यदि बी स्थितीय संख्या प्रणाली का बेस है तो इसके सिबलिंग की रेंज जीरो से बी माइनस वन, बेस टू जीरो से टू रेस्ट पावर एन के बीच किसी भी दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है, तो एन बिट्स की। ओके आगे साइन इनवर्स का क्वेश्चन दिया है, तो ये सेवन टेन यू, ये तो किसी ने किया भी नहीं होगा वैसे। इनपुट डिवाइस बतानी थी तो जॉयस्टिक हो जाएगी। सी ई एक्स सी फाइल कब निर्मित होती है, लिंकिंग के बाद निर्मित होती है, ये बिल्कुल सही है। के मैप था, इसको बताना था कि किस तरीके से जो है यहाँ से बन के आएगी, 0347 में आप इसको लिख सकते थे, 0 1 2 यहाँ पे लिखा जाता है, 3 4 5 6 और 7 किस तरीके से जो है फिर मैपिंग बनती, तो यहाँ पे बी सी बार और बी प्लस सी बनता। बबल शॉर्ट का उपयोग करके सेकेंड पास के बाद इंटरमीडिएट सीक्वेंस क्या होगी, सेकंड पास के बाद पूछी है, तो ये हमें करके देखना पड़ता है कि फर्स्ट पास में ये बनेगी, उसके बाद सेकंड पास में जब हम दोबारा इंटरचेंज करते हैं उसको तो क्या आती, 21 37 54 ये वाली बन जाती। ठीक है, ओके हेडर फंक्शन हैश फंक्शन का क्वेश्चन दिया था, तो 6 यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ओवियस हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लिखा क्या गया है वो, बट आप पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन थे, ये आइडिया मिल जाएगा आपको जिन्होंने इस शिफ्ट में पेपर नहीं दिया था, थोड़ा सा बहुत आइडिया आपको हो जाएगा कि यहाँ कैसे क्वेश्चन जो थे जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बताना था, तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम दोनों ही हैं। आगे देखिए एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, अंडू के लिए होता है, अंडू पूछा है, आई थिंक कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ टू क्वासी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एक 2D array जिसमें प्रत्येक पंक्ति में तत्वों की भिन्न भिन्न संख्या होती है वो इररेगुलर के रूप में जानी जाती है। C++ का ऑपरेटर जिसका उपयोग किसी पॉइंटर द्वारा निर्दिष्ट मान तक पहुंचने के लिए किया जाता है उसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। असाइंड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर यूज्ड बाय कंप्यूटर इज नोन एज कोलेटिंग सीक्वेंस। बैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन .bat होती है। मेमोरी प्रबंधन प्रणाली का प्राथमिक कार्य बताना था, तो दोनों है। ठीक है, सी में लिखे कोड का आउटपुट बताना है क्या आएगा, तो 22 यहाँ से सही आएगा। ठीक है, 20 + 2 हो जाएगा ना 22। कौन सा सब प्रोग्राम का एक प्रकार है, तो फंक्शन और सब रूटीन दोनों ही है। CSS की कौन सी प्रॉपर्टी उस डिग्री को निर्दिष्ट जिससे टेक्स्ट को इम्बोल्डेंड किया जाना चाहिए, तो फॉन्ट एंड वेट। कुछ समस्याएं हैं जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाते समय उत्पन्न हो सकती है, तो कनेक्शन ट्रैप्स। टी फाइल फ्लोप फ्लिप फ्लॉप के संबंध में कौन सा सही है, तो दोनों सही हैं। जीरो ओके वन में वो क्लॉक पल्स की स्टेट बदलता है और जीरो में नहीं बदलता है। एन बिट बाइनरी एडर के लिए कितने फुल एडर की आवश्यकता होती है, तो एन एडर की। किस लॉजिकल गेट को शामिल करके बाइनरी एडर सर्किट को बाइनरी जोड़ और घटा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, तो एक्सोर को। सही बताना था, ओके दोनों सही हैं इसमें, परिसंपत्ति और देयता। लॉग एक्स तालिका दी गई है, तो F3 का मान क्या होगा, तो 0.125 होगा। डाटाबेस में DDLC डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाएगा इसका। एंटिटी रिलेशनशिप में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं मल्टी वैल्यूड। ठीक है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाएं तरफ और दाएं तरफ डिटरमिनेंट और डिपेंडेंट कहा जाता है। प्राइमरी की के अलावा अन्य से भी कैंडिडेट की को अल्टरनेट की कहा जाता है। स्टूडो इंस्ट्रक्शंस असेंबलर को दिए जाते हैं। ओके 8-bit रजिस्टर AB के निम्नलिखित मान हैं, तो दिए गए माइक्रो प्रत्येक रजिस्टर में 8-bit के मान क्या होंगे, A+B एंड B+1, तो ये दोनों को ऐड करके बताना था। ठीक है,
एक्सनोर गेट को दर्शाता है तो वाई ए एंड दिस डॉट बी नो और ओके एक मिनट नोर गेट है ना ये एक्सनोर बट यहाँ पे नोर गेट है तो नोर में तो प्लस होता है ना ओके बट ये एक्सक्लूसिव नोर दिया है यहाँ पे तो हाँ टूट आ जाएगा कौन सा सबसे पुराना डाटाबेस मॉडल है तो हायरार्किकल सबसे पुराना है हास की एक विशेषता बतानी थी तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे एक्चुअली इसमें समझ नहीं आ रहा हिंदी में लिखा क्या है ये किसके बारे में बात हो रही है सी एस एस की कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक साथ कई सूची प्रॉपर्टी को सेट करने में सक्षम बनाती है तो लिस्ट स्टाइल हो जाएगी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में डाटाबेस और ट्रांजेक्शन लॉग फाइलों के बीच सिंक्रोनाइजेशन का बिंदु क्या है तो चेक पॉइंट होता है आईसी की मेरिट के फिगर के संबंध में कौन सा सही है तो प्रोपेगेशन डिले टाइम इनटू पावर सही होगा 2K इंटू 16 मेमोरी यूनिट में कितनी एड्रेस लाइन इनपुट डाटा लाइन की आवश्यकता होती है तो 11 एड्रेस लाइन और 16 डाटा लाइन ओके ये डीएफडी दिया गया है कि किस कौन सा सुमेलित है तो प्रोसेस के लिए देखिए ये एंटिटी के लिए होता है रेक्टेंगल ठीक है प्रोसेस के लिए हम सर्कल को यूज़ करते हैं ये प्रोसेस के लिए यूज़ होता है और डाटा स्टोर के लिए आई थिंक ये यूज़ होता है और आउटपुट के लिए ये यूज़ होता है नहीं आउटपुट के लिए आउटपुट के लिए सेकंड बोल रहा है ये बट ये तो प्रोसेसिंग होती है ना फोर्थ से सेकंड हाँ आउटपुट के लिए थर्ड का फर्स्ट ठीक है हाँ सही है आउटपुट को 3 गुना किया जाता है तो डिक्रीसिंग रिटर्न टू स्केल धारण करती है यदि आउटपुट 2 गुना करती है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल धारण करता है तो केवल 3 यहाँ पे सही है रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल को धारण करता है लेवल 0 डीएफडी का दूसरा नाम क्या है तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जावा प्रोग्रामिंग के बारे में सत्य बताना था एक क्लास जिसे फाइनल चिन्हित किया गया उसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता ट्रू है एक विधि जिसे फाइनल इन चिन्हित किया गया उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता तो दोनों ट्रू हैं फाइल एलोकेशन टेबल फाइल और उनकी विशेषताओं के बारे में एंट्रीज संग्रहित करता है जावा कोड का आउटपुट पूछा गया था तो यहाँ पे एग्जाम 99 जो है सही हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्ड पार्टीशनिंग के अनुसार एक प्रोग्राम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से पार्टीशन किया जाना चाहिए सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में ROCOF का संक्षिप्त रूप रेट ऑफ ऑक्रेंस ऑफ फेलियर अक्रेंस ऑफ फेलियर जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती एक निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है जावा पी कमांड का कार्य क्या है क्लास फाइलों को अलग करने की कमांड होती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया वॉक थ्रू के संदर्भ में कौन सा सही है तो केवल एक सही है ये अनौपचारिक तकनीक होती है सॉफ्टवेयर डिजाइन में कपलिंग क्या होता है तो 2 मॉड्यूल के बीच कार्यात्मक इंटरडिपेंडेंस की डिग्री का मापन करना बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग मेथड में एक टेस्ट केस डिजाइन करना चाहते हैं तो कौन सा मान शामिल होने चाहिए तो 0, 1, 4000, 4001 एक डिस्क में सिलेंडर ट्रैक और सेक्टर होते हैं बिल्कुल सही है मल्टीमीडिया सामग्री के बुनियादी प्रशासन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का जो सही नहीं है वो बताना था तो देखिए दोनों ही सही नहीं है एक और दो दोनों हो जाएगा जो वाईडी दिया है सीपीयू दिया है एम सेकंड पर पहुंचते हैं तो यदि शेड्यूलिंग टाइम स्लाइस 1 सेकंड के साथ तो कार्य ए के लिए पूरा तो गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कितना जो है उसका शेड्यूलिंग टाइम जो है आएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी तो मशीन लैंग्वेज थी FTP क्या होता है TFTP UDP दिए गए हैं देखिए FTP फाइल ट्रांसफ़र होता है TFT ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र टेलनेट जो है रिमोट लॉगिन होता है UDP सेंट डायग्राम होता है डाटाग्राम होता है ठीक है RBI द्वारा निजी व्यक्ति और संस्थानों को एक बांड की बिक्री से भंडार की मात्रा में कमी मुद्रा की आपूर्ति में कमी होती है तो दोनों में होती है ओके फायरवॉल की सूची दी गई है ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल तो ये हो जाएगा इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है ये होगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोक्सी सर्वर में मेल सर्वर हो जाएगा और ये डी का वन हो जाएगा एप्लीकेशन में टेलनेट ठीक है एक आयताकार विंडो पर विचार करिए और उसका वो दिया गया है ये पूरा कोऑर्डिनेट वगैरह ये ग्राफिक्स में से आया आई थिंक क्वेश्चन ठीक है पेमेंट सिस्टम EPS के प्रकार हैं तो तीनों ये स्मार्ट वॉर्ड ई वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का उपयोग करके निम्न सूची को बद्ध करें तो ADAHKTLNV जो है ये आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग CMY इज स्पेस में रंग का एक रंग का RGB कोऑर्डिनेट क्या होता है तो 0.75, 35 और 1 कौन सा इमिसिव डिस्प्ले का उदाहरण नहीं है तो लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस इसमें मैक्सिप के अकॉर्डिंग बताना था इंटरचेज की संख्या 3 आएगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक निजी नेटवर्क है
ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में जो सही है तो वो है कोई भी पीयर डाटा साझा करना और पुनः प्राप्त करने के नेटवर्क को किसी अन्य पीयर तक ये पहुंच सकता है, इसमें क्लाइंट सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ETC डायरेक्टरी क्या होती है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क से इस कंप्यूटर शुरू करने के लिए किया जाता है तो BOOTP, ठीक है। IRCT की सहायता से ट्रेन आरक्षण होता है, एक विशिष्ट भुगतान गेटवे के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक संचालित, तीनों सही है मतलब, ठीक है। ओके, जस्ट इन टाइम कंपाइलिंग, फर्स्ट इन टाइम कंपाइलिंग, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड निष्पादन से पहले लक्ष्य प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित मशीन भाषा में संकलित करने की प्रक्रिया को जस्ट इन टाइम कंपाइलिंग JIT कहा जाता है। ओके, कौन सी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का एक उदाहरण है? तो इंफ्रारेड वेव नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेड तो उसमें चला जाता है। ओके, एक मिनट, हाँ इंफ्रारेड वो उसमें हो जाती है अनगाइडेड मीडिया में। GPRS क्या होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट होता है एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ये देता है, तो दोनों सही होंगे यहाँ पे। बाइनरी सर्च ट्री कौन सा ट्रेवर्सल है? तो केवल 3 आरोही क्रम है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम किससे संबंधित है? तो वर्ड प्रोसेसिंग और एनुअल बजटिंग से। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये शिशु और स्वचालित असाइनमेंट दोनों को मैनुअल IP एड्रेस असाइन करने की अनुमति देता है। ओके, AVL ट्री में कौन सा रोटेशन दोहरा रोटेशन कहलाता है? तो LR और RL। रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम का उपयोग करके करना था दूसरी पास में जो आउटपुट मिलेगा, तो ये सारे करवा रखे थे हमने, डिटेल में पढ़ा था। रेडिक्स सॉर्ट है या फिर मर्ज सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, सब कुछ जो है डिटेल में किया था कि किस तरीके से जो इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जस्ट उसकी आउटपुट बतानी थी कि दूसरे पास में वैल्यू क्या आएगी। ओके, सामग्रियां बतानी थी कि किसी प्रयोग की रिपोर्ट करते समय कौन सी सामग्रियां शामिल हैं, तो दोनों है, इस्तेमाल किया गया ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर। आगे देखिए, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन दिया है तो इसमें तो डायरेक्ट वहाँ से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आंसर निकलेगा इसका, 1/10 होगा। इसमें भी वही है, F5 का मान पूछ लिया गया है, ठीक है। ओके, किस प्रकार की जानकारी अत्यधिक व्यक्तिगत और इसे औपचारिक रूप देना कठिन है? तो टैसिट जानकारी। कौन URL का एक भाग है? तो तीनों है, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, डायरेक्टरी एंड फाइल नेम। निम्नलिखित में से कौन सा एजेम्प्टिक नोटेशन लोअर बाउंड्री कॉन्सेंट्रेट्स को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये ओम, वही प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 16/81 हो जाएगा। एक मोटे तौर पर रूपरेखा तैयार करता है जब ये किया गया, तो वेबसाइट कैसी दिखेगी? तो वायर फ्रेम्स। ओके, फ्लो चार्ट किस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को दर्शाता है? तो डिसीजन स्ट्रक्चर को। किसी प्रोग्राम के पिक्टोरियल निरूपण को फ्लो चार्ट कहा जाता है। रूपक साहित्यिक उपकरणों में से एक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो केवल 2, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। भाषाधिग्रहण में भाषाधिगम के प्रति विद्यार्थी तीनों में अहम भूमिका निभाता है, अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास और उत्सुकता। जेंडर का स्थिति संकेत है लिंग अनुपात, शिक्षा और स्वास्थ्य। संयोजन सही है, सूचनात्मक साहित्य शब्दकोश, रचनात्मक या कल्पनात्मक साहित्य उपन्यास, तो दोनों सही है। सहपाठियों द्वारा आकलन विद्यार्थियों की किस प्रकार सहायता करता है? तो सहपाठियों के साथ वार्तालाप और परस्पर क्रिया करके अपने अधिगम को संगठित करने और सीखने के स्पष्ट मानदंडों पर आधारित रचनात्मक कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो 1 और 2 दोनों। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, दोनों ही हैं, गुणवत्ता को बेहतर बनाना और लड़कियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया। कौन से निष्पादन कला के प्रकार हैं? तो रंगशाला, संगीत और कठपुतली। मानकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताना था तो सुनिश्चित करते हैं, तो 1 और 2 दोनों जो हैं यहाँ पे सही थे, ठीक है। संयोजन सही नहीं है, तो वो है टेलीविज़न दृश्य सहायक सामग्री, ग्राफ है, कैसेट है, दृश्य श्रव्य हो जाएगा, क्योंकि टेलीविज़न में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दृश्य श्रव्य हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अन्वेषण करने, उपयोग करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो दोनों ही सही है। अध्येता केंद्रित उपागम के लक्षण दोनों सही हैं। ओके, तो ये था 2nd शिफ्ट का पेपर, सब्जेक्ट मुश्किल ही आया हुआ था इसमें, डिफिकल्ट था लेवल। ओके, फर्स्ट पेपर फिर भी नॉर्मल था अगर मैं और से कंपेयर करूँ तो, लेकिन सेकेंड पार्ट वाकई में डिफिकल्ट दिया गया था यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेपर देखेंगे, इसका जो 3rd शिफ्ट का पेपर हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।